चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों का जीना दुर्भर कर रखा है, जिसको देखते हुए बाजार में लोग पानी पीने के लिए बोतल तो नहीं ले सकते लेकिन पाउच जरूर ले सकते हैं। पर अब किसको क्या मालूम कि बाजार में बिकने वाला पानी मौत को दावत दे रहा है, क्योंकि जिस कंपनी का पानी का पाउच है उस पाउच में बनाने की कोई तारीख नहीं अंकित की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि ये पीने का पानी का पाउच कब बनाया गया है और कब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इसमें 30 दिन के इस्तेमाल करने के लिए लिखा गया है। दरअसल जिलाधिकारी के कार्यालय से 200 कदम की दूरी पर एक दुकान पर जब अधिवक्ता और कई लोग पानी पीने के लिए गए और पाउच मांगा और जब पानी पीने के बाद स्वाद में कुछ अजीब लगा तो यह देखा गया कि यह पानी का पाउच कब का बना हुआ है, तो मालूम चला कि इस पानी के पाउच में कोई भी बनाने की तारीख अंकित नहीं की गई है लेकिन केवल 30 दिनों में इसका उपयोग करना है ऐसा लिखा गया है। यह जानने के बाद ग्राहकों के लिए बहुत भय साबित हो रहा है, लेकिन अगर जिस कंपनी का पानी का पाउच है उस पाउच पर अगर निर्माण करने की कोई तारीख ना हो तो बहुत ही उदासीनता वाली बात है, जिससे ये वरदान पानी के पाउच बनाने वाली कंपनी लोगों को प्यास बुझाने की बजाय उनको मौत की दावत दे रही है। अब ऐसे में विभाग के ऊपर भी एक सवाल बनता है कि क्या विभाग इस बात से अनजान क्यों बनता है कि अगर निर्मित करने की तारीख नहीं है तो क्या इस कंपनी के निर्माता और मालिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई संभव क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार बार बार निर्देश देती है कि किसी भी खाने पीने या लगाने वाली वस्तु पर निर्मित की तारीख और उसके खत्म होने की तारीख होना अति आवश्यक है। जिला खाद्य अधिकारी अजीत कुमार द्वारा बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले भी इस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है लेकिन अगर निर्मित की तारीख नहीं है तो पाउच को लखनऊ लैब भेजकर जाँच कराई जाएगी और साथ में इस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं इस बारे में जानकारी के लिए दिए गए वरदान पानी के पाउच में लिखे फोन नंबर पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि पाउच में पंचिंग डेट की जाती है, हो सकता है वह पाउच से मिट गई होगी।